विराट, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। किसी ने मेरी भतीजी को किडनैप कर लिया। कितने बजे? सुबह योगा क्लास गई थी लेकिन अभी तक कार नहीं आई। हमने घर से कार भेजी है ये बोलकर वो उसे उठा के ले गए। तुम फौरन अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। डरो मत, कुछ नहीं होगा, जल्दी करो जाओ। मैं बोल विराट, आर्मी मैन को उठाकर टॉर्चर किया तो कोई इन्फॉर्मेशन निकल नहीं सकती, इसलिए उनके घर की लड़कियों को उठा रहे हॉस्टल साले। क्यों? उन 12 टेररिस्टों को किस टीम ने मारा ये जानने के लिए वो लड़कियों को किडनैप करके घर वालों को फोन पर धमकी देंगे, ब्लैकमेल करेंगे। उसने एल्बम में जिन लोगों को मार किया था उन पांचों के नंबर्स मैं अभी इसी वक्त तुम्हें भेज रहा हूँ। मुकुंद, ध्यान से सुनो, उनको फोन करो, उनके घर की लड़कियां जो इस वक्त बाहर घूम रही हैं उनके नंबर्स लो, कंट्रोल रूम में जाओ, उन सबके सिम कार्ड किस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं चेक करो। ओके। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम इस वक्त? डिजाइनिंग क्लास जा रही हो। इस वक्त कहाँ हो तुम? सैंटा क्रूज। क्यों? ये 5 मोबाइल नंबर से जल्दी ट्रैक करो किस एरिया में है। यस सर। हेलो विराट, मेरी बहन सुबह जॉगिंग के लिए गई थी, कोई से जबरदस्ती गाड़ी में उठा के लेके गया। हाँ विराट, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। क्यों, क्या हुआ? उन 5 लड़कियों में से एक लड़की का नंबर ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो चुका है। और सुन, अभी एक और नंबर डीएक्टिवेट हुआ है। मुझे भी फोन आया था 45 मिनट पहले, उन्होंने दूसरी लड़की को भी किडनैप कर लिया। विराट, हमें बड़ी पुलिस फोर्स चाहिए। उनके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की है, तू कुछ भी करके कंफ्यूज मत करना। अभी क्या करने वाला तू? बताता हूँ, पहले तो ये बता कि वो दूसरा सेल फोन कहाँ डीएक्टिवेट हुआ। वो लड़की जहाँ पढ़ती थी ना, वहाँ से 4 किलोमीटर साउथ मुंबई की ओर ट्रैवल करने के बाद उसका सिम कार्ड भाईकला में डीएक्टिवेट हुआ है। और इससे पहले जो लड़की लापता हुई थी ना, उसका भी सिम कार्ड भाईकला में ही डीएक्टिवेट हुआ है। ओके, एक काम कर, तू भाईकला के लिए निकल, मैं तेरे को रास्ते में मिलता हूँ। सुन विराट, अभी जो 3 लड़कियां बची है ना, उनको एटलीस्ट फोन करके इमीडिएटली वॉर्न तो कर देते कि कहीं अकेले बाहर ना निकले। देख, तू कुछ भी मत करना, कुछ बिगाड़ना मत, उन 5 लड़कियों से ज्यादा वो स्लीपर सेल्स का हेड इंपॉर्टेंट है, समझे? चल अब जल्दी निकल वहां से। हेलो विराट, हेलो। मेरी सिस्टर सुबह कॉलेज गई थी सेमिनार अटेंड करने। चौथी लड़की भी गई। हेलो। यस, 5वीं लड़की भी किडनैप हुई। अबे तू इंसान है या सेडिस है? तू खुश क्या हो रहा है? यहाँ 5 लड़कियां किडनैप हुई है, उनके तुझे जरा भी फिक्र नहीं है? मैं जानता हूँ तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस स्लीपर सेल का हेड बाहर आ जाए और तू उसे खत्म कर दे, है ना? तू जानता है वो स्लीपर सेल्स का हेड अगर पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? मुंबई में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जितने टेररिस्ट एक्ट हो रहे हैं, ये कई सालों के लिए रुक जाएंगे, समझे? अरे लेकिन जो 5 लड़कियां किडनैप हुई हैं, उनकी उनकी जिंदगी दांव पर लग गई है, उनके बारे में सोच, उनके परिवार के बारे में सोच। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। अगर तेरे घर से कोई किडनैप हो जाए उसके बाद भी तू यही बोलेगा? कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी उन 5 लड़कियों में एक लड़की मेरी बहन है, समझे? मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो किडनैप की हुई लड़कियों को एक ही जगह पे रखेगा वो टेररिस्ट, उनको भी बचाना है और उस हरामजादे को भी पकड़ना है। नहीं नहीं, एक मिनट, प्रीति, उन 5 फोटो में एक लड़के का नाम सरफराज भी था, उसकी बहन को हटाकर मैंने अपनी बहन को भेज दिया। इस वक्त कहाँ हो तुम? सैंटा क्रूज। क्यों? एक काम करो, अभी तुम रिजवी कॉलेज जाओ, मेरे टीममेट सरफराज को जानती हो, उसकी बहन की स्कूटी को लेकर इधर आओ। मैं उसकी स्कूटी लेके क्यों आऊं? मैं कह रहा हूँ इसलिए, जाओ अभी लेकर आओ। लीवाइस पे 40% डिस्काउंट चल रहा है, 3/4 पैंट खरीद के दोगे? अरे एक क्या, मैं 2 खरीद के दे दूंगा, जल्दी जाओ अभी। ओके। तू पागल हो गया विराट, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सगा भाई होते हुए तू ऐसे कैसे कर सकता है? उसको कुछ नहीं होगा, उसको क्या, किसी को कुछ नहीं होगा। रोक, इधर रोक। पिंकी यहाँ क्या कर रही है? भाई ये
और मेरे लिए एक मरून टॉप लेके आना, यहाँ एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए पूरी, और इधर मिरर वर्क चाहिए, ठीक है, मीडियम साइज में। ओके बाय, सी यू। ओके विराट, मैं भी मेरे इन्फॉर्मर से पूछताछ करता हूँ, लेट्स सी। पट्टी निकाल दो उनकी। एक एक करके फोटो प्रोजेक्ट करो। इसको कौन जानता है, इसको कौन जानता है? ये मेरे भैया हैं। उधर जा। मेरे चाचा जी। He's my brother. तेरा भाई? नहीं। तेरा भाई? अगला फोटो प्रोजेक्ट करो। मेरे भाई हैं। उधर जा। इन पांचों तस्वीरों में तेरा भाई नहीं है? नहीं। वो ग्रुप के फोटो एक एक करके दिखाओ। इसमें तेरा भाई है? लड़की को हम किडनैप करने वाले थे, उसकी स्कूटी चलाने को किसने कहा था? मेरे भैया ने। बोलो, ऑपरेशन पूरा हो गया? उन 12 लोगों की टीम का हमें पता चल गया है। उस टीम में से एक ने अपनी बहन को दूसरी की जगह भेजा है। सारी लड़कियों के फोन के सिम कार्ड्स निकाल दिए हैं। हम जिस जगह पे हैं उसको पता चलने का चांस ही नहीं है। नो 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 नो, वो बेवकूफ नहीं है। अगर वो अपनी बहन को भेज सकता है तो उसने तुम तक पहुंचने का रास्ता निकाला होगा। वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। क्या बोल रहे हो? इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे, लड़की को खत्म करके जगह खाली कर दो। अभी इन चारों लड़कियों को बांध दो और इस लड़की को इधर लेके आओ। जल्दी करो, जल्दी। रुक जा। No.
आ गया है, सबको मारने की कोशिश कर रहा है इधर। पीछे मुड़ो, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को थोड़ी देर में मैं टैक्सी में छोड़ दूंगा। अगर पुलिस वालों ने पूछा कुछ देखा तो कह देना अंधेरा काफी था, मेरी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, समझे? ओके, कम ऑन, गेट इनटू द कार, कम ऑन फास्ट। ऑपरेशन पूरा हो गया, उन 12 लोगों की टीम का हमें पता चल गया है। उस टीम में से एक ने अपनी बहन को दूसरी की जगह भेजा है। जानबूझकर मुझे फंसाया ना, इतना बड़ा चाकू रखा यहाँ, जरा भी इधर का उधर होता तो मुंडिया अलग कर देता। तुम्हारी जान को दांव पे लगाया इसलिए तो हम उसको पकड़ सके। उसके लिए खुद की जान का रिस्क लेना चाहिए था ना, मेरी क्यों, मैंने क्या किया? क्यों, तुम सिविलियन अपनी जान नहीं दे सकते हो क्या? जान देने का ठेका सिर्फ ये मिलिट्री और पुलिस वालों ने ही ले रखा है। हाँ, तुम लोग तो आराम से न्यूज चैनल देखा करो सोफे में बैठ के, और कमेंट पास किया करो। ये पुलिस वालों को ना ऐसा करना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, मिलिट्री वाले गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा करना चाहिए था। खुद कुछ मत किया करो। तुम लोगों के झगड़े में अगर एक बुलेट मुझे लग जाती तो क्या होता? तो क्या होता, जान चली जाती और क्या होता, बस यूं ही जान चली जाती। प्रीति, हजारों को मिटाने का इरादा रखने वाले जब वो टेररिस्ट अपनी जान देने को तैयार हो सकते हैं तो हम लोग अपनी जान क्यों नहीं दे सकते? सोचो। अब देखो, तुम्हारी वजह से वो मेन आदमी पकड़ा गया, वो भी जिंदा। वो मेन टेररिस्ट नहीं है, उसको किसी ने फोन करके ऑर्डर दिया, उसके बाद उन्होंने चाकू निकाला। Thank you.
आज सुबह अंधेरी वेस्ट में नाले के पास एक आदमी की लाश मिली है जिसकी उंगलियां कटी हुई थी। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक उसको मारने से पहले काफी टॉर्चर किया गया था। उसका नाम आसिफ अली बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक मारे गए 12 स्लीपर सेल से है। 27 सितंबर को हुए बम उसने इसे इसलिए मारा क्योंकि उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो इन्हीं 12 लोगों में से है। वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है। भड़काओ उसे, बड़ा प्लान बनाओ, जोरदार अटैक करो, वो जरूर बाहर आएगा। स्लीपर सेल्स का पावर दिखाओ। माँ एक काम करो, आप चलो मैं आता हूँ। जल्दी आ जाना। हाँ मैं आता हूँ। Let's finish this game. मुझे तू चाहिए जिंदा। अपने टीममेट कपिल को फोन करो जो अभी RCT मॉल में है, और उसे बोलो वो जिस बिल्डिंग में है वो बिल्डिंग 10 सेकंड के बाद ब्लास्ट हो जाएगा। Hey, listen! Hey, विराट कैसा है तू? कपिल कहाँ है तू इस वक्त? यार मैं तो अभी अपनी फैमिली के साथ बाहर आया हूँ। अरे लेकिन तू है कहाँ इस वक्त? RCT मॉल। कपिल अभी अपनी फैमिली को लेके वहां से निकल। वहां बॉम्ब है, निकल वहां से। क्या बोल रहे तू? कपिल मैं बोल रहा हूँ 5 सेकंड में वो बॉम्ब फटने वाला, निकल वहां से। यार यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। कपिल उनको सबको इतला करके निकल। मुझे एग्जैक्टली पता है बाकी के 11 लोग इस वक्त कहाँ हैं। क्योंकि हर एक को एक एक स्लीपर सेल फॉलो कर रहा है। यू वांट टू चेक? मोंटी बग्गा, चूबीज, योगेश, हनुमान मंदिर, जिगर गिल, CCD मुलुन, चिराग सेठी, मिठीबाई कॉलेज, सरफराज, सी फेस, काटरो, विशाल, PVR, कुर्ला, ललित, फिनिक्स मॉल, संदीप सचदेवा, अंधेरी मार्केट, अभय शुक्ला, माउंट मैरी चर्च, विराट बख्शी, बैंड्रा मार्केट और सिद्धार्थ, कोरेगांव स्टेशन। अब दूसरे को उड़ाता हूँ। विराट बख्शी जो इस वक्त बैंड्रा मार्केट में है। अगले 3 सेकंड में उस जगह ब्लास्ट हो जाएगा। 3, 2 Boom. God scared? डर लग गया हाँ? मैंने वहां पे बॉम्ब नहीं रखा था। मुझे उनकी जान नहीं चाहिए, तू चाहिए। I need you. ठीक है, तुझे मैं चाहिए ना, मैं तेरे पास आता हूँ। किसी को कुछ करना मत। Good decision. तू तैयार रह। हाय, क्या हाल है यार? बस मदर, सी यू लेटर। ये क्या जगह है, कौन है सब लोग? बॉर्डर वॉर, काउंटर टेररिज्म, इनमें जितने भी आदमी लोग मारे जाते हैं उन सबको हम जानते हैं। लेकिन ये लोग वो आर्मी ऑफिसर्स हैं जो वॉर में हैंडीकैप होते हैं। इन लोगों को कोई नहीं जानता। हर फील्ड में सिंसियरली काम करो तो प्रमोशन मिलती है, पर यार सिर्फ आर्मी और पुलिस में रिटायरमेंट मिलती है। That's sad. Hi विराट। Hi. वो सब तैयार है। Hello everyone. Hey. Hi. Hi विराट। क्या हाल है आप लोगों का? बस बढ़िया सर। ठीक है। मैं पहले ही आप सबसे फोन पे बात कर चुका। जिस वक्त का हमें इंतजार था वो घड़ी आ गई है।
हम सब मिलकर एक असाइनमेंट एग्जीक्यूट करने वाले। कल सुबह मैं उसके हेड से मिलने वाला हूं जो स्लीपर सेल्स को कंट्रोल करता है। उस समय मुझे कोई फॉलो नहीं कर सकता क्योंकि उनकी नजर मुझ पर रहेगी। उससे मिलने से पहले मैं अपने बॉडी में एक ट्रैकिंग चिप इंसर्ट करने वाला हूं। वो चिप जहां भी मैं ट्रैवल करूंगा तुम्हें इंडिकेट करती रहेगी और तुम सारा कुछ इससे कम्युनिकेट करते रहोगे। ओके आर्मी में हम जो साइक्लोनाइट एक्सप्लोजिव इस्तेमाल करते हैं उसे मैंने बहुत ही सीक्रेटली अपने पास मंगवाया है। वो आज शाम तक पहुंच जाएगा हमारे पास। उससे हम C4 प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बनाएंगे और बना के आप लोग दे दोगे जोएल को। जोएल तुम मुकुंद के टच में रहोगे। मुकुंद तुम इसे बताते रहना कि वो लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। आई एम श्योर किसी सुनसान जगह पे लेके जाएंगे। उसके बाद तुम सारे एक्सप्लोजिव जमा करके गाड़ी में रख के वहीं ले जाना जहाँ वो लोग मुझे लेके जा रहे हैं और वहां से फिर हट जाना। ऑलराइट? ओके। डिड यू अंडरस्टैंड? या। ऑलराइट? एम आई क्लियर? फैंटास्टिक। अब वो आदमी मुझे जिंदा क्यों चाहता है कोई नहीं जानता। आई एम श्योर कोई ना कोई कारण जरूर होगा। लेकिन मेरे उस स्लीपर सेल्स के हेड से मिलने के ठीक 15 मिनट बाद जोएल वो बम ब्लास्ट हो जाना चाहिए। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। मेरे साथ साथ स्लीपर सेल्स को ऑर्डर देने वाले भी उड़ जाएंगे। उसके बाद सारे स्लीपर सेल्स कोमा सेल्स बन जाएंगे। इनको जिंदगी भर कोई ऑर्डर नहीं आएगा। इट्स लाइक अ सुसाइड अटैक। अरे क्या मजाक चल रहा है ये? विराट तू सुसाइड करने की बात कर रहा है, वो लोग वहां तालियां बजा रहे हैं। क्या हो क्या रहा है यार? बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। अच्छा ठीक है, तो तूने अपनी जान देने का ठेका ले रखा है क्या? तेरा अपना भी परिवार है, जरा सोच उनके बारे में। उन लोगों के भी परिवार थे जो ताज अटैक में मारे गए। वो भी ऐसे ही रात को निकले थे ये बोल के कि सुबह तक वापस आ जाएंगे अपने बच्चों को। हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे, संदीप उन्नीकृष्णन, शशांक शिंदे, तुकाराम ओमले, उनके भी परिवार थे। उनकी बॉडी आई थी, उनके परिवार के बारे में सोचा तूने? बात करते हैं परिवार की। ये इनको देख, किसी की रीढ़ की हड्डी नहीं है, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी की आंख नहीं है, लेकिन फिर भी खुश हैं ये लोग। इनके भी परिवार हैं। एक आर्मी वाले के लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। हजारों को मिटाने का इरादा रखने वाले जब वो टेररिस्ट अपनी जान दे सकते हैं तो हम लोग रक्षा करने वाले नहीं दे सकते? मुकुंद, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया। अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो मेरे घर वालों को दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है, दो बहनें भी हैं, जब भी तेरे पास वक्त हो उनसे मिलने चले जाया करना। एंगेजमेंट को सिर्फ 4 दिन बाकी है, तुम अचानक मना कर रहे हो? नहीं, अभी जरूरत नहीं है, अगली बार आऊंगा तब देखेंगे। पर शादी तो अगले साल है, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसकी भी जरूरत नहीं है। पहले तुमने कहा पसंद नहीं, फिर कहा पसंद है, और अब फिर मैं तुम्हें पसंद तो हूं ना? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मैंने मना किया ना, अभी नहीं। तुम मुझे बुला पाओगे? मुझसे तो नहीं होगा।
तेरे बगल में मेरा बंदा खड़ा है। कहाँ है वो? क्लीन। हेलो। सड़क के उस पार सिल्वर कलर की 3525 नंबर की इंडिगो तुम्हें दिखाई दे रही है, बैठ जाओ उसमें। सामने की साइड ब्लैक होंडा सिटी, वो लेके तुम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आओ। यही सोच रहा होगा ना कि मैंने अब तक तुझे क्यों नहीं मारा, मेरा प्लान क्या है? नहीं जानता ना, बताता हूं। हाँ
ये गाड़ियां जो तूने पार्क की है तुझे मालूम है इनके अंदर क्या है? इन्हें ब्लास्ट नहीं करूंगा मैं, बल्कि पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा। तो ये सवाल जरूर उठेगा कि ये सब रखा किसने है। तब जब पुलिस तुझे ढूंढ रही होगी तो मैं तुझे और तेरे बाकी के 10 टीममेट्स को खत्म कर चुका होऊंगा। बल्कि पुलिस के मुताबिक तुझे मारना और सही वक्त पर टाइम बॉम्ब डिफ्यूज करना, पता है इसका क्रेडिट कौन लेगा? ये देख, मिस्टर अल्विन डिसोजा, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। यही नहीं, जिन 12 स्लीपर सेल्स को तूने मारा है उसका क्रेडिट भी जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस को जाएगा, और इसके चलते उनका प्रमोशन हो जाएगा और वो बन जाएंगे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। विराट, अब तक पूरे हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स मौजूद है सिवाय इंडियन आर्मी के, लेकिन इसके चलते हम इंडियन आर्मी में भी स्लीपर सेल्स भर्ती करवाएंगे और हम फिर वो सब कुछ करेंगे जो करना चाहते हैं। कैसे भी करके मुझे यहां से निकलना होगा, मैं मर नहीं सकता। इंडियन आर्मी में स्लीपर सेल्स देश के लिए कैंसर है। एनी डेथ विश? कोई आखिरी ख्वाहिश? मैं तुम्हारी बंदूक से मरना नहीं चाहता। सुना? मैं भी तुझे अपनी बंदूक से नहीं मारना चाहता। Thank you.
चल के मार। क्या बोला? हाथ खोल के मार। सुनो, तुम्हारा बॉस मेरे हाथ बांध के मारता है मुझे, और खोलने को बोला तो सोच रहा है तूने मेरे हाथ पैर तोड़ दिए। तेरे साथ इतने लोग हैं जिनके पास हथियार है, फिर भी तू डर रहा है। ये डर होना चाहिए, डर होना चाहिए। अब हंसो, हंसो, हंसो अभी। मेरे हाथ खोल के मारने को तू डर रहा है ना? ये डर मुझे अच्छा लगा। भाई ये क्या कर रहे हो तुम? जस्ट शूट हिम, गोली मारो इसे, ये बहुत चालाक आदमी है, मेरी बात मानो, इसे गोली मारो, तुम इसे हरा नहीं सकते हो। मेरा मतलब के ओ... खोलो इसे। मुझे नहीं पता। बोले तो गोली मार दो इन्हें। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं।
मेरी मानो तो इन दोनों को गोली मार दो, शूट देम। अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तुम गोली मारो दोनों। अपने अपने हथियार समुंदर में फेंक दो, जल्दी करो। तू ला मेरे हैंडकफ्स, घड़ी, चल। तू अकलमंद नहीं है। क्यों? अगर तूने मुझे मार भी डाला तो स्लीपर सेल्स को कंट्रोल करने वाली सारी नेटवर्क डिटेल्स उस शिप में हैं। लोग हैं जो इसे कंटिन्यू करेंगे। रुक। समझा नहीं ना? तू सस्पेंस में ही मर। जिस दिन आया था उसी दिन बोल दिया होता कि लड़की पसंद है, शादी करवा के भेजते। यहाँ भी वही हाल है, पर सुनता कौन है हमारे? सर ध्यान रखना अपना। सुपर जोड़ी है ना सर? तुम्हें पता है आज ये दोनों अगर एक साथ हैं तो उसकी वजह मैं हूँ। सर आप? सर जिस दिन हम यहाँ आए थे और इसके पिताजी इसको जल्दी जल्दी यहाँ से लेके गए थे ना, वो इसी लड़की को दिखाने के लिए, इसने ना बोला फिर उसने ना बोला और जब इन दोनों ने हाँ बोला तो किसी बेवकूफ ने वो बीच में आकर कंफ्यूज कर दिया। हाँ पर अब सब कुछ सही है सर। हाँ सर पर आप कैसे कह रहे थे कि इन दोनों के मिलने की वजह आप हैं? ये कहानी जो जो तुमने सुनाई सर उसमें तुमने ना जिस बेवकूफ का जिक्र किया ये सर वो मैं हूं। तुम लोग कैंप पे चलना। ये सर दोनों को उल्टा लटका दूं। सर सच यार आर्मी ग्रेट है। अगले 11 महीनों के लिए किसी बर्फीले पहाड़ पर या रेगिस्तान में अपना खुद का टेंट लगवा कर अपना खुद का खाना पका कर इन बीते हुए 40 दिनों के हॉलिडे के बारे में सोचना, बटुए में लगी अपनी फैमिली फोटो को बार बार निकाल कर देखना, ऐसे ही जीना पड़ेगा है ना। टेक केयर। आई विल मिस यू।